नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन डिश बाय देव में। आज हम बनाएंगे कैरी का लच्छा अचार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कैरी के लच्छा अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो कच्चे कैरी लिए, वजन से ये आधी किलो है। अचार बनाने के लिए ज्यादा गुदे वाले यानी कि ज्यादा पल्प वाले कैरी का इस्तेमाल करें, इससे अचार बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो चलिए कैरी को छील लेते हैं। पहले के पीछे वाले हिस्से सबसे पहले इस तरह काट के निकाल देना है, फिर छिलकों को इस तरह चाकू की सहायता से निकाल देनी है। हमने कैरी को छिलका तैयार कर लिए हैं, तो चलिए अब इसे घिस लेते हैं। घिसने के लिए हम यहाँ पे ये मोटे वाले हिस्से का इस्तेमाल करेंगे। कैरी को लच्छा बनाने के लिए इस तरह लंबे आकार में घिसे, इससे कड़ी बिल्कुल लच्छा बन जाएगी। इसी तरह हम कैरी को घिस कर तैयार कर लेंगे। हमने कैरी को घिस कर तैयार कर लिया है। अब हमें इन कैरी को किसी एक बर्तन में निकाल ले रही है। एक चम्मच दाना मेथी, एक चम्मच कलौंजी, दो चम्मच जीरा, दो चम्मच साबुत धनिया, दो चम्मच सौंफ। अचार में सौंफ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो सौंफ की मात्रा एक चम्मच और बढ़ा सकते हैं। चार पांच लाल सूखी मिर्च। साथ में हम लेंगे एक इंच सौंठ का टुकड़ा। सौंठ के टुकड़े अदरक को सुखा कर बनाया जाता है। अब हमें मसाले को धीमे गैस पर 1 से 1.5 मिनट तक भून लेना है। हमें बस मसाला की नमी दूर करना है, इसे बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें, नहीं तो मसाला का टेस्ट खराब हो जाएगा। आप चाहे तो 3 से 4 घंटे तक मसाले को धूप में डाल दें, उसके बाद में इसे मिक्सी में पीस लें, तो आपको इसे नमी दूर करने के लिए फ्राई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब 1 से 1.5 मिनट तक मसाला अगर फ्राई करेंगे तो आप मसाला को हाथों से छू पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती, हल्का गर्म होती है। तो चलिए अब मसाले को पीस कर तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पे तेल को गर्म होने के लिए पहले गैस पर रख दिया था। हमारे तेल गर्म हो चुकी है। सरसों का तेल से अचार बहुत ही बढ़िया बनती है। यहाँ पे आधी किलो कैरी में 200 ग्राम तेल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको सरसों का तेल से अचार बनाना पसंद नहीं है तो आप तिल का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे तेल अच्छे से गर्म हो चुके हैं। आप देख सकते हैं तेल से हल्के हल्के धुआं सा निकल रहा है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और तेल को ठंडा कर लेंगे। अब हम इसमें पीसी हुई मसाला जो हमने अभी पीस कर तैयार किया है उसे डाल देंगे। हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा कम खाता है तो आप लाल मिर्च पाउडर कम कर सकते हैं, या फिर सूखा मिर्च को ना डालें, क्योंकि हमने पहले भी भूनते वक्त मसाले के साथ में सूखा मिर्ची का इस्तेमाल किया है। साथ में हम लेंगे 3 बड़े चम्मच नमक। नमक की मात्रा हम ज़्यादा रखेंगे। नमक की मात्रा ज़्यादा रखने से अचार लंबे समय तक टिकता है। 1 चम्मच कलौंजी, आधी चम्मच हींग। अब हमें कैरी को मसाले के साथ में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर आपको लहसुन का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप जिस टाइम मसाला को भुने उसके बाद लहसुन को भी 1 से 1.5 मिनट तक हल्का सा फ्राई कर ले, इससे लहसुन की नमी दूर हो जाएगी। फिर आप लहसुन को भी अचार में डाल सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्ची को 2-4 टुकड़े करके इसमें डाल सकते हैं, इससे ये और ज़्यादा टेस्टी बनेगी और ज़्यादा स्पाइसी भी बन जाएगी, इससे आपको अचार और भी बढ़िया लगेगा। मसाला कैरी के साथ में अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब हमें कैरी को 4 से 5 घंटे के लिए ढक देना है ताकि ये जो मसाला का फ्लेवर है वो कैरी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। 4-5 घंटे हो चुके हैं, अब हम ढक्कन को हटा लेंगे। अब हम इसमें राई दाल डाल देंगे। अगर आपके पास राई दाल ना हो तो आप मोटी सरसों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हम गुलगुना तेल को भी डाल देंगे। हमने राई दाल को 4 से 5 घंटे तक फूल धूप में सुखा लिया था। अब हमें अचार को तेल और राई दाल के साथ में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हमारे अचार बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इस अचार को अभी खा सकते हैं या फिर आप इसे 2-4 दिन बाद में इस्तेमाल करें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, क्योंकि हमारे जो कच्चे आम है वो और गल जाएंगे, इससे अचार का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप इस अचार को साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप जिस किसी भी डब्बे में इस अचार को आप रखें वो डब्बा बिल्कुल सूखा होना चाहिए। तो चलिए आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।